भोजपुर में ऑटो पर सवार आलू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तिरमूर्तिया व देवघर गांव के बीच घटना घटित हुआ। बाइक पर सवार तीन की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जब हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया उस वक्त ऑटो पर चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे। पीरो भियां स्टेट हाईवे पर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तिरमूर्तिया व देवघर गांव के बीच गुरुवार की रात एक बाइक पर सवार तीन की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने ऑटो पर सवार आलू व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दिया और वारदात को अंजाम देकर तीनों बदमाश फरार हो गए, जिसको लेकर इलाके में खलबली मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नगर स्थित कोतवाली मोहल्ला निवासी स्वर्गीय हीरालाल शाह का 55 वर्षीय पुत्र मुनमुन शाह था। बताया जाता है कि वह 40 वर्षों से भियां ओवरब्रिज स्थित जज बाजार में आलू का व्यवसाय करते हैं, जो प्रतिदिन सुबह 5 बजे घर से भियां अपने दुकान जाते थे और आलू बेचकर शाम को जगदीशपुर घर लौट जाते थे। गुरुवार को दुकान बंद कर अपने बड़े पुत्र सोनू कुमार के साथ ऑटो पर बैठकर जगदीशपुर अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान तिरमूर्तिया व देवघर के बीच ऑटो को ओवरटेक कर बाइक सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर फरार हो गए, जिससे घटनास्थल पर ही मुनमुन शाह की मौत हो गई। मृतक के दाहिने साइड छाती में गोली लगी हुई है और बाएं साइड से गोली बाहर निकला था। घटना के बाद जगदीशपुर और बिहिया में हड़कंप मच गया। मृतक को अनुमंडलीय अस्पताल जगदीशपुर में ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर डीएसपी राजीव चंद्र सिंह और थानाध्यक्ष बिगाऊराम ने दलबल के साथ पहुंच छानबीन में जुट गए। मृतक के तीन पुत्र सोनू, मोनू उर्फ टिकटिक, विक्की और एक पुत्री है। वही डीएसपी राजीव चंद्र सिंह ने ऑटो चालक करण कुमार से घटना को लेकर गहनता से पूछताछ कर अग्रेतर कार्रवाई में जुट गए हैं। बताया जाता है कि ऑटो पर चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे। डीएसपी ने ऑटो चालक के साथ घटनास्थल की मुआयना कर ऑटो पर कहां से लोग चढ़े और कहां जा रहे थे और कौन लोग थे इसकी जानकारी लगा रहे हैं। घटना के बाद अनुमंडलीय अस्पताल प्रांगण में लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। सड़क जाम करने जा रहे लोगों को पुलिस ने समझा बुझा कर पोस्टमार्टम के लिए आरा भेज दिया। वहीं पुलिस द्वारा मृतक का मोबाइल भी जब्त किया गया है। ऑटो पर से एक पिलेट भी बरामद हुआ है। वहीं हत्या की जानकारी मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के आरा लोकसभा प्रत्याशी सुदामा प्रसाद सदर अस्पताल पहुंचे, परिजनों को सांत्वना दिए और मीडिया से बात करते हुए एनडीए सरकार पर कई आरोप लगाते हुए बोले कि विगत एक सप्ताह के अंदर 3 हत्या हो गई, कहां है सुशासन की सरकार। एनडीए सरकार में अपराधियों के अंदर से सरकार व पुलिस का डर खत्म हो चुका है। आचार संहिता का फायदा उठा अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। भोजपुर एसपी अपराधियों संग कड़ा रुख अख्तियार करें और अपराध पर लगाम लगाएं, अन्यथा आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग इसका विरोध शुरू करेंगे। पापा दुकान से भी हैं, जज बाजार भी हैं, आलू का दुकान है। अब जगदीशपुर घर है तो भैया से आते क्रम घर बीच रास्ते में तीन मूर्तियाँ टोला पर तीन बाइक सवार थे तो रेप राइड कर रहे थे, उसी घटना में गोली मार दी गई। कोई दुश्मनी वगैरह ऐसा कुछ नहीं, पहले से कोई संपत्ति का विवाद या ऐसा कुछ व्यवसाय में कोई विवाद नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। बड़े भैया थे आगे बैठे थे, ये पीछे बैठे थे। कितना राउंड फायरिंग किया गया? हमको तो पता नहीं है, एक राउंड शायद बोले हैं। कहाँ पर घटना हुआ है? तीन मूर्तियाँ टोला एक बोलते हैं, राइस मिल है वहीं पर। कहाँ से लौट रहे थे, क्या करके लौट रहे थे? बीहियाँ दुकान है, जगदीशपुर घर है तो बीहियाँ से घर आ रहे थे, दुकान से घर आ रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की कुमार है। आप इनके कौन हैं? हम इनके बेटे, ये मेरे पिताजी हैं। जिले में हत्या की घटना बढ़ गई है, रोज हत्या पर हत्या हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए ये मैंने कहा जाए कि पूरी तरह से मैंने एनडीए सरकार का इकबाल ख़त्म है, अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। मैंने हम लोग तो देख रहे हैं कि 10 दिन में शायद मैं बोल रहा हूँ 3 लोगों की हत्या हुई है गोली मार करके। एक डीजे संचालक की हत्या हो गई डुमरा में, अभी कुछ मैंने 3-4 दिन के बाद उसके आपके आरा सदर के प्रमुख के बेटे की हत्या हो गई, अभी ये मैंने मुनमुन शाह की हत्या हो गई। तो क्या चल रहा है भाई? हैं अधिकारी जो है बोल रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता है, तो क्या आचार संहिता में लोगों की जान जाती रहेगी और लोग चुपचाप खामोश होकर के तमाशा देखेंगे? हैं अपराधियों को लगता है कि कोई भय ही नहीं है, तो क्या ऐसी बात है कि ये अपराधी चुनाव आचार संहिता की आड़ लेकर के लोगों की मैंने हत्या पर हत्या कर रहे हैं और ये उनको है कि आचार संहिता है इसलिए कहीं कोई लोगों का विरोध नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं निकलेगी? तो
तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को, खास करके एसपी साहब को, मैंने इस पर कड़ाई से ध्यान देना चाहिए, अपराधियों के साथ पेश आना चाहिए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मृतक के परिवार को हम 20 लाख मुआवजे की मांग करते हैं, इसलिए कि ये घर के कर्ता धर्ता थे, व्यवसाय संभालते थे, अब इनके जाने के बाद जो है परिवार का क्या होगा ये परिवार ही समझता है। इसलिए हम लोग नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि मृतक व्यवसायी के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दे और हम लोग व्यवसायी संघ की ओर से भी इस पर कार्यक्रम करेंगे, मैंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र शांतिपूर्ण ढंग से, मैंने हम लोग कल चट्टी बाज़ारों पर प्रयास करेंगे कि लोग काली पट्टी लगा करके मुंह पर बांध करके अपना विरोध जताएं, बाह में काली पट्टी बांध करके जी। शाम को जो है वो कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दे। सरकार जो है वो कह रही है कि सुशासन का राज है, सुशासन क्या इसी को कहते हैं? मैंने एक जिले की बात मैं बोल रहा हूँ, आरा के अगल बगल की बात बोल रहा हूँ, मैंने 10-12 दिन के अंदर 3 घटनाएँ, 3 मर्डर, मैंने लगता है कि सुशासन है ये मर्डर, अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहा जाएगा? ये लोग सुशासन का राज चला रहे हैं, ये कहा जाए कि लूटपाट में व्यस्त हैं भाजपा और एनडीए जो है वो लूटपाट में व्यस्त है, विधि व्यवस्था की इनको चिंता नहीं है कि विधि व्यवस्था का क्या होगा, इनको ये भय सता रहा है कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इनकी सरकार जा रही है, मोदी जी की भी सरकार जा रही है और लोकसभा चुनाव के बाद उनकी भी सरकार जाएगी, एनडीए की सरकार बिहार में भी जाएगी, ये हम लोग को भरोसा है कि बिहार के जो अमन पसंद लोग हैं वो निश्चित तौर पर शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और अपने व्यवसाय में रोजी रोटी में तरक्की चाहते हैं।